जनप्रतिनिधियों से सीएम योगी ने किया संवाद, बोले क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सहायक बने सांसद और विधायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सांसद विधायक अपने क्षेत्र के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि लखनऊ आधुनिक नगरीय विकास का मानक बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में उद्योग लगाने के लिए बड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं। वे सोमवार को सीएम आवास पर लखनऊ मंडल के लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के सांसदों और विधायकों की बैठक में बोल रहे थे। सीएम ने तीनों जिलों के सांसदों विधायकों से उनके क्षेत्र के आवश्यक विकास और समस्याओं के निस्तारण पर बात की। उन्होंने जन प्रतिनिधियों को विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर उन्हें गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराने में सक्रिय भूमिका निभाने और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए सांसदों को 5 करोड़ और विधायकों को 3 करोड़ रुपए के प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जनप्रतिनिधि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर जिलों में भी निवेश सम्मेलन कर निवेशकों से निवेश कराएं। सरकार ने मातृभूमि योजना की शुरुआत की है, अब कोई भी अपने गांव और शहर के विकास में सीधी भागीदारी कर सकता है। प्रदेश के हर जिले में निवेश आ रहा है, लखनऊ, उन्नाव और हरदोई हर सेक्टर के लिए अवसर है। इस पूरे क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, टेक्सटाइल, जैव ईंधन और सौर ऊर्जा सहित हर सेक्टर के लिए अपार अवसर है। सीएम ने कहा कि नदियों के किनारे कटान और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए नदियों की ड्रेजिंग के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। इसमें ड्रोन तकनीकी का भी सहयोग लिया जा रहा है। नवीन तटबंध का निर्माण, पुराने की मरम्मत भी कराई जा रही है। उन्होंने सांसद और विधायकों को इसकी निगरानी के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लखनऊ मंडल के तीनों जिलों की बैठक के साथ सभी 18 मंडलों के सांसदों विधायकों से संवाद का दौर पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने लोकसभा चुनाव के मैदान में कूदने से पहले कील कांटे दुरुस्त करने की रणनीति के तहत संवाद किया गया। संवाद में सरकार को विधायकों और सांसदों की ओर से मिले प्रस्तावों पर कार्यवाही शुरू की गई है। वहीं समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। विधायक और सांसदों की ओर से त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सड़क निर्माण के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, उन प्रस्तावों को तुरंत मंजूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं।